नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। अपने देश में भगत सिंह के साथ एक विचित्र तथ्य जुड़ा हुआ है कि जब भी भगत सिंह की फांसी का जिक्र किया जाता है तो उसके लिए सबसे अधिक कसूरवार महात्मा गांधी को ठहराया जाता है। लेकिन जो मुख्य कसूरवार थे उनके वो तीन साथी जिन्होंने गद्दारी की थी, जो मुखबिर बन गए थे, सरकारी गवाह बन गए थे, जिन्होंने बाकी क्रांतिकारियों को पकड़वाया और भगत सिंह की शिनाख्त की कि इसी सरदार ने सैंडर्स की हत्या की है, उन तीनों गद्दारों को कोई कुछ नहीं कहता, उनके नाम तक नहीं लेता, अधिकतर लोग उनके नाम तक नहीं जानते। जरूरी है कि उन गद्दारों को भी जाना जाए। हम बारी बारी से, चूंकि तीनों की कहानी काफी एक साथ लंबी हो जाएगी, इसलिए हम बारी बारी से उनके बारे में एक एक वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी चर्चा गद्दार नंबर एक हंसराज बोहरा के बारे में। जब मुकदमा खत्म हो गया, अंग्रेजों को जितना काम निकालना था, खिलाफ में जितना बुलवाना था उतना बुलवा चुके हंसराज बोहरा से, तो उसे अंग्रेजों को लगा कि बोहरा की जान को यहां क्रांतिकारियों से खतरा है, तो उसे इंग्लैंड भेज दिया गया। वहां उसने लंदन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी हो गई तो हंसराज बोहरा अब अंग्रेजों के किसी काम का नहीं रह गया, तो अब अंग्रेज भी उसे उसकी हाल पर छोड़ दिए। बोहरा को पहली नौकरी मिली अंग्रेजों के अखबार सिविल एंड मिलिट्री गैजेट लाहौर में। वहां उससे सभी घृणा करते थे, इसलिए बोहरा सोचने लगा कि कैसे यहां से दूसरी जगह चले जाए। देश विभाजन के बाद वह कोलकाता में द स्टेट्समैन अखबार में काम करने लगा। वहां भी वो सभी के घृणा का पात्र बना रहा। वह इस अखबार का दिल्ली में विशेष संवाददाता के रूप में फिर काम करने लगा और वही दिल्ली में विशेष संवाददाता के रूप में काम करते हुए उसे बड़े लोगों से भी उसकी जान पहचान हुई और वहीं से द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसे वाशिंगटन का संवाददाता बनाकर अमेरिका भेज दिया। रिटायरमेंट के बाद भी बोहरा वापस नहीं आया और अमेरिका में डेक्कन हेराल्ड का प्रतिनिधि बन गया। इसके बाद उसने अपनी फीचर सर्विस शुरू कर दी। वह जानता था कि समय चाहे जितना बीत जाए लेकिन भारतीयों के दिलों में वो हमेशा एक घृणित पात्र है। उसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी। भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका हंसराज बोहरा की थी। ऐसे में हंसराज बोहरा ने फैसला किया कि वो वही अमेरिका में ही, वाशिंगटन में ही अकेले गुमनामी में मरेगा, भारत कभी वापस नहीं लौटेगा। उसकी जिंदगी अमेरिका में यूं ही गुजर रही थी, अपने काम में वो डूबा हुआ था और उसे लगा कि धीरे धीरे वक्त के हिसाब से सब कुछ खत्म हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे। भगत सिंह की फांसी के 50 साल बाद सुखदेव के भाई मथुरा दास थापर ने बोहरा को एक पत्र लिखा। सुखदेव ही हंसराज बोहरा को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जो क्रांतिकारियों का संगठन था, उसमें लेकर आए थे। बहुत मानते थे और ये हंसराज बोहरा सुखदेव का रिश्तेदार भी था। थापर ने, मथुरा दास थापर ने हंसराज बोहरा से पूछा कि वह एक मजबूत दिल वाला क्रांतिकारी था, इसलिए सुखदेव ने उसे संगठन में भर्ती भी किया था। फिर ऐसा आखिर क्या हुआ कि वह अपने ही साथियों को फांसी पर लटकवाने के लिए तैयार हो गया और उसने गद्दारी की। हंसराज बोहरा ने अपना जवाब पत्र लिख कर दिया। बोहरा ने पत्र में पहले सुखदेव की तारीफ की, लिखा कि सुखदेव पार्टी की आत्मा थे, वह महान संगठनकर्ता थे। पत्र में अपने बारे में भी लिखा कि वाशिंगटन में मैं बहुत सफल जिंदगी जी रहा हूं, मेरी जो अपनी व्यावसायिक सफलता है वो बहुत अच्छी है, मेरी क्षमता के हिसाब से बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है। और ये भी उसी पत्र में लिखा कि उसकी ये इच्छा है कि जब वो मरे तो उसे पूरी तरह भुला दिया जाए। मतलब अंदर कहीं ना कहीं वो ग्लानि से भी भरा हुआ था। बोहरा की चिट्ठी मथुरा दास थापर को 7 अक्टूबर 1980 को मिली
इसके एक साल के बाद उन्होंने वोहरा को 9 सितंबर 1981 को एक और चिट्ठी लिखी। पत्र में मथुरा दास ने उसे खुलकर लिखने के लिए कहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो गद्दार बन गया। इसके जवाब में 27 नवंबर 1981 को वोहरा ने पत्र लिखा। उसने पत्र में सुखदेव पर ही दल के सारे राज अंग्रेजों को बताने का इल्जाम लगा दिया। पत्र में लिखा कि सुखदेव ने गिरफ्तारी के बाद सारी बातें अंग्रेजों को बता दी थी। यहां तक कहा कि सुखदेव का दिमाग पानी के घड़े की तरह था, घड़ा फूटा और पूरा पानी भर गया। वोहरा ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी जिंदगी पीटी हुई और बदनुमा दागों से भरी पड़ी है और इतिहास के उन गहरे गुदे हुए दागों को साफ करने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता। फिर भी उसने पत्र में सफाई दी कि उसने अंग्रेजों को कम से कम जानकारी दी थी जिससे कि वह छूट भी जाए और संगठन को कम से कम नुकसान हो। पत्र के अंत में वोहरा ने थापर से सुखदेव के बारे में अपमानजनक शब्द लिखने के लिए माफी भी मांगी। वोहरा के इस पत्र का जवाब थापर ने 5 महीने बाद दिया। थापर ने बताया कि सुखदेव को पुलिस ने 3rd degree टॉर्चर किया था। उनके पूरे शरीर पर निर्दयता के निशान थे लेकिन फिर भी वे अडिग रहे। दोनों के बीच 2-3 पत्रों का सिलसिला चला। उन पत्रों से यह साफ जाहिर होता है कि वोहरा अंग्रेजों की चालबाजी का शिकार हो गया था। वो इस गलतफहमी में फंस गया था कि सुखदेव ने सारे राज बता दिए। हम सभी इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अगर सुखदेव ने राज बताए होते, सुखदेव भी अगर गद्दारी करते तो उन्हें फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता। हम सब इससे समझ सकते हैं कि सुखदेव अडिग थे या उन्होंने अपने राज बताए थे। 13 सितंबर 1985 को वाशिंगटन में हंसराज वोहरा अपने ही कमरे में मर गया, बंद कमरे में। उसके परिजनों ने उसका वही अंतिम संस्कार किया, हिंदुस्तान से दूर गुमनामी में, जहां आज उसका कोई भी नाम लेने वाला नहीं है और भारत में नाम लिया जाता है तो घृणा के साथ। हंसराज वोहरा की यह पूरी कहानी और भी विस्तृत रूप में मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब शहीद भगत सिंह क्रांति में प्रयोग में लिखा है। आप एक सवाल ये कर सकते हैं कि इस गद्दार को क्यों याद किया जाए। इतिहास को हमेशा संपूर्ण रूप में देखा जाना चाहिए और गद्दारों को भी याद किया जाना चाहिए, वो चाहे मीर जाफर हो, जयचंद हो या फिर हंसराज वोहरा हो। ये सभी गद्दार घृणित व्यक्तित्व के परिचायक हमेशा बने रहेंगे और इन गद्दारों की यही सजा है कि आने वाली नस्लें, आने वाला समय, भविष्य हमेशा इन गद्दारों से नफरत करें, इनसे घृणा करें। इनकी यही सजा है। इस सजा को आप महाभारत के अश्वत्थामा वाले कांड से भी देख सकते हैं। कृष्ण को जब अश्वत्थामा को दंड देने के लिए कुछ नहीं सुझा, यूं लगा कि मौत भी इसके लिए छोटा दंड है, तो उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वो जिंदा रहेगा और लोगों के घृणा का पात्र बना रहेगा। ये सजा मौत से भी बड़ी सजा होती है। ऐसी ही सजा हमेशा जयचंद, मीर जाफर, हंसराज वोहरा, जयगोपाल, फणीन्द्रनाथ घोष, नाथुराम गोडसे, इन सबको मिलनी चाहिए। ये सभी अनंत काल तक भारतीयों के घृणा के पात्र बने रहेंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम उन गद्दारों को भी जाने जिनकी वजह से भारतीय युवाओं के आदर्श भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।